Assalamualaikum. Let's begin the fifth paragraph. We as Muslims should follow the noble example of the tolerance of our Rasul sallallahu alaihi wasallam. हमें मुसलमान होने की हैसियत से should follow the noble example, उम्दा मिसाल पर follow अमल करना चाहिए. Of the tolerance, बुर्दबारी की उम्दा मिसाल पर अमल करना चाहिए. Of our Rasul sallallahu alaihi wasallam, हमें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी की उम्दा मिसाल पर अमल करना चाहिए. The deterioration and conflict prevailing in the society is due to the lack of tolerance. Deterioration, इंतशार, conflict, मुहालफत, खराबी, prevailing, छाई हुई, गालिबाई हुई in the society is due to the lack of tolerance. वो बुर्दबारी की कमी की वजह से है, सब्र व तहम्मुल की कमी की वजह से है. माशरे में फैला हुआ इंतशार और मुहालफत सब्र व तहम्मुल की कमी की वजह से है. दिस मैनिक कैन ओनली बी क्योर्ड बाय फॉलोइंग द नोबल एग्जांपल सेट बाय आवर बिलव्ड रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दिस मैनिक इस बुराई का कैन ओनली बी क्योर्ड, इस बुराई का इलाज किया जा सकता है. क्योर इलाज किया जा सकता है बाय फॉलोइंग अमल करके. द नोबल एग्जाम्पल सेट बाय आवर बिलव्ड रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट बाय कायम करदा. इस बुराई का इलाज हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा बुर्दबारी की उम्दा मिसालों पर अमल करने से किया जा सकता है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Dear students, there is glossary. You have to note it in your notebooks with Urdu meanings and learn it. It's your homework too. Allah Hafiz.